हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब मैं हूं द्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट लर्नो जहां डॉट कॉम पे आपको मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे लेक्चर सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री नीट सीरीज़ के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं बट फिर भी जो कुछ क्वेश्चंस है या फिर कुछ कंसेप्ट है जो आगे के चैप्टर्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले तो उन सारे कंसेप्ट्स को हम इस वीडियो में समझेंगे तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को चैप्टर की शुरुआत करते हैं मैक्सवेल के इक्वेशन से तो मैक्सवेल्स का जो इक्वेशन है मैक्सवेल के ये जो चार इक्वेशन है वैसे तो देखा जाए दीज आर सेट ऑफ इक्वेशन जिसमें से आपको गॉस लॉ भी मिलेगा मैग्नेटिक मोनोपोल्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता है इससे रिलेटेड एक लॉ है आपके पास एंड फेराडिज लॉ एंड एम्पियर मैक्सवेल है ये जो चार लॉ मैंने लिख रखी है इसका सारे का इन सारे का डेरिवेशन या फिर इन सारे के बारे में रिलेटेड जो टॉपिक्स है ये सब आप हायर लेवल में पढ़ोगे जब आप लाइक ग्रेजुएशन वगैरह रे इंजीनियरिंग वगैरह करोगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब आप पढ़ोगे तब ये चार आप लॉ के बारे में बहुत डिटेल में जानना जानना आपको पड़ेगा राइट बट हियर जहां से हमारी क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये चार इक्वेशंस या फिर ये जो चार लॉज जा आ जाते हैं मैक्सवेल के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों जैसे कि हम अगर क्लासिकल मैकेनिक्स जब देख रहे क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि आप जो जैनमेटिक्स के इक्वेशंस देख रहे हो या फिर लाइक लॉज ऑफ मोशन आप देख रहे हो तो लॉज ऑफ मोशन या फिर जो मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो हमारे तीन न्यूटन्स के लॉज है वो जितना ज़्यादा जरूरी है मैकेनिक्स के लिए वैसे ही मैक्सवेल के ये चार लॉज क्लासिकल इलेक्ट्रो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो क्या क्या है ये लॉ ये आप देख लो एक है ई डॉट डी एक्ल्स टू क्यू बाई एफ सैलन और जो आप

लाइक क्लोज एरिया या फिर क्लोज सर्फेस में हम इसको इंटीग्रेट करें दैट मीनस द क्लोज इंटीग्रेशन ओके बी डॉट डी एक्वल्स टू जीरो क्या होती है मैग्नेटिक मोनोपोल्स का कंसेप्ट होता है देखो ये दो इक्वेशन सेम है यहां पे क्या कहता है ये गोसलो और ये बी डॉट डी ए डॉट डी ए जगह पे बी डॉट डी ए मैग्नेटिक मोनोपोल्स इस इक्वेशन के बारे में जब आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स नॉर्थ पोल या फिर सिर्फ साउथ पोल जो एग्जिस्ट नहीं करता है जिसे हम कहते हैं कि एग्जिस्टेंस नहीं है इनका क्यों नहीं है मैथमेटिकली आप इससे समझ सकते हो ओके सिमिलर टू दिस फेराडिज लॉ ये तो आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में और ये है एम्पियर मैक्सवेल लॉ एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या कहता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी अब यह है क्या यह आई डी को हम कहते हैं है? तो ये इस displacement current के बारे में हम थोड़ा समझेंगे देखो दीज आर सेट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप लोग मैथ्स में पढ़ाया जाता है बट अगर नीट के स्टूडेंट्स अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आ, आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है तो आपको पता चल जाएगा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा ये चार है बट चूंकि इलेक्ट्रोडाइनमिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है तो हमें ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है ओके अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअल में है क्या डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली क्वांटिटी अपेयरिंग इन द एक्चुअल इक्वेशन जो फोर्थ इक्वेशन में आप देख सकते हो इसका मतलब ये होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड का रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड को हम डिस्प्लेसमेंट करेंट कह सकते इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फिनना ऑफ ऑब्जर्व इन अ कैपेसिटर अब उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है दो सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर रखी जाती है इस तरह से राइट और फिर इस पर चार्ज का डिसिपेशन देखा जाता है और इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं राइट तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है ई नॉट क्या लिखे थे हमने ई नॉट डी फाइ डी टी और ये फाइ क्या है ये फाइव ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली फ्लक्स आप लिख दो ठीक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप समझते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है देखो अपने लाइट के बारे में जब हमने पढ़ा था तब हमने कहा था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये कब कैसे पता चल रहा है ये हमने इसका एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ये भी हमने समझा था लाइट के बारे में फाइन तो देखा ऐसे क्या कि मैक्सवेल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन की जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रहे तो उसकी स्पीड को जब मैक्सवेल ने कैलकुलेट किया तो उसे सिमिलर आया लाइट की स्पीड के बराबर ठीक है तो मैक्सवेल ने लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया ओके okay, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या एक्चुअल में कि जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है लेकिन प्रोपोगेट कर रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और साथ ही में कोई फेज डिफरेंस उनके बीच में नहीं है ओके okay, कोई डिफरेंस उनके बीच में नहीं है तो ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव इज अ इन वेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर फील्डेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डिशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव हाँ पर्पेंडिकुलर टू डिशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑब्वियसली क्योंकि ये डिरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो दोनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ़ से भी परपेंडिकुलर है ओके इस तरह से हम कह सकते हैं ओके तो यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखू तो ई e एम वेव ये क्या है दो आपको फील्ड नजर आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो फील्ड है एक इलेक्ट्रिक वेक्टर और एक है मैग्नेटिक वेक्टर ठीक है और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इलेक्ट्रिक वेक्टर को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से लिख सकते ई नॉट साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा वैसी बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी ठीक है किस तरह से लिखा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अल्टरनेटिंग करंट में हमने यह समझाता है ए एसी करंट क्या होती है राइट right. उसमें हमने वेव अगर है अगर वेव है तो इसकी इक्वेशन इस तरह से आएगी फाइन समझ में आ रही अब नोटिस करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो भी ये इक्वेशन आप देख रहे हो इनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा ओके okay. क्योंकि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और इसी तरह से बन रही कि इसका जब मैक्सिमम आ रहा है इसका भी मैक्सिमम तभी आ रहा है मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस इसकी नहीं है ई नॉट और बी नॉट जो आपको दिख रहा है ये क्या है पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और एम्प्लीट्यूड ठीक है पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड हम इसे कह सकते हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं देखो बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है ये इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा बट फिर भी जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे या फिर जो क्वेश्चन नीट में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे बट जो मेन कंसेप्ट है उसे हम इस वीडियो में समझ रहे हैं ओके मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेवस तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इस प्रॉपर्टीज को एक तो प्रॉपर्टी आपको समझ आ गया कि परपेंडिकुलर है और डिरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पे परपेंडिकुलर है फाइन नाउ वेरिएशन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑकर्स साइमल्टेनियसली राइट देआर फॉर एट मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस ये अभी जस्ट मैंने बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा सेम प्लेस में आ रही है और साइमल्टेनियसली चल रही है फेज डिफरेंस नहीं है द डरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर एंड ऑल्सो टू द डरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव बहुत ही सिंपल से दो थे तीसरा क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी आर रिलेटेड बाई इक्वेशन सी इक्वल्स टू ई नॉट बाई बी नॉट तो ये जो ई नॉट और बी नॉट वाले जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे ई नॉट और बी नॉट ये एक दूसरे से रिलेटेड इस तरह से है दैट इज सी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव और वेलासिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू ई नॉट बाई बी नॉट ठीक है मतलब ई नॉट बाई बी नॉट की जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंट है रिलेटेड बाई c equals to E नॉट by B नॉट वेयर E नॉट एंड B नॉट आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेस्पेक्टिव वेव या तो एम्पलीट्यूट कह लो या फिर पीक वैल्यू कह लो क्योंकि है क्या ये E नॉट B नॉट हम समझ लेते हैं सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो पीक वैल्यू है या फिर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं वो वैल्यू है क्या B नॉट और इसी तरह से ये वैल्यू क्या है ई नॉट है ठीक है समझ में आ रही बात कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस वी कैन राइट इट एज सी इक्वल्स टू वन बाई रूट अंडर म्यू नॉट एफ साइल एंड नॉट वन बाय सॉरी म्यू नॉट एफ साइलन नॉट ओके यहाँ से आप लिख सकते हो अच्छा इसको डिराइव भी हम कर सकते हैं। सी क्या है ई नॉट बाई बी नॉट है ना ई नॉट बाई बी नॉट है तो ई नॉट और बी नॉट एक्चुअली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वन बाई फोर पाई एफ साइलेंट नॉट के क्यू वन सॉरी के क्यू वन बाई आर और इसी तरह से बी नॉट का भी निकालेंगे तो मुझे मिलेगा सी इक्वल्स टू वन बाई रूटरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकेव इन एनी मीडियम जब किसी मीडियम अगर फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट एफ साइलन लग रहा है अगर कोई मीडियम है तो म्यू एफ साइलन लग जाएगा ठीक है क्या लग जाएगा म्यू एफलन म्यू एंड एफसाइलन आर एप्सोलूट पॉमेटिविटी और एपसोलूट परमियाबिलिटी, ओके okay, समझ में आ रही कुछ और प्रॉपर्टीज भी है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या है वो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था कि दो वेव्स जब आपस में इंटरसेक्ट करती या फिर सुपर इम्पोज करती तो जो एक रिजल्ट वेव आता है सपोज ये वाई वन वेव है ये वाई क्या है डिसप्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव वन और ये है टू वेव ये दोनों आपस में क्या हुई टकराई टकराने के यानी कि सुपर इम्पोज होकर एक वेव निकली या फिर एक रिजल्टेंट वेव निकली तो ये जो रिजल्टेंट वेव होगी ये क्या हो जाए वाई कोई टू हम लिख सकते हैं दैट इज द सुपरपोजिशन ये हम ऑप्टिक्स में भी पढ़ चुके ये हम वेव्स एंड ऑसिलेशन जब चैप्टर कर रहे थे क्लास इलेवेंथ का उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह से सुपर इंपोज होती है ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे प्रोपोगेट थ्रू स्पेस एनर्जी को कैरी करती है दिस एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली एनर्जी डिवाइडेड होती है एनर्जी कितनी कैरी करती है क्या कैरी करती है इसे भी हम समझेंगे फाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन देयर पाथ ठीक है तो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी और मोमेंटम को भी क्या है? करती है ट्रांसफर करती है बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खुद की कोई मास नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मास नहीं है बट फिर भी इसमें मोमेंटम है हम क्या जानते हैं मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ये इतना जो जानते हैं राइट बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मास को हम कंसिडर नहीं करते बट मोमेंटम है ये हम कंसिडर करते अब क्यों करते ये थोड़ा डिटेल आपको जानना पड़ेगा बट उसके लिए थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है जो कि आपके लिए नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ओके okay, सो so वो अभी फ़िलहाल के लिए स्किप करते अगर आपको चाहिए कि क्यों आ, हम मोमेंटम कैसे हो रही है बिना मास के तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूँगा बट इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा यस yes, सर हमें जानना है फाइन नाउ फॉर डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल मोर सिग्निफिकेंस इन गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब ऑप्टिक्स को हम देख रहे हैं जब लाइट वैक्टर को देख रहे हैं या फिर लाइट से रिलेटेड हम कोई भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कोई भी थियोरीज हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक वेक्टर को नेग्लेक्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक वेक्टर से हम अपना जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है उस पर इलेक्ट्रिक वेक्टर का ही हम जिक्र करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर को कंसिडर करके सॉल्व करते हैं जैसे कि पोलराइजेशन हो गया तो पोलराइजेशन में हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर जो अलग अलग ओरिएंटेशन में है अलग अलग डिफ में उसे एक फिक्स पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में करने को ही हम क्या कहते हैं पोलराइजेशन कहते हैं ठीक है अनपोलराइज लाइट जिसकी इलेक्ट्रिक वेक्टर हर डायरेक्शन में हो सकती है उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं पोलराइजर लगाते हैं बट यहां पे बात क्या हो रही है इलेक्ट्रिक वेक्टर की बात हो रही है ठीक है तो उस केस में हम मैग्नेटिक वेक्टर को निग्लेक्ट करते हैं ना जो एक और आखिरी हमारे पास है प्रॉपर्टी वो क्या है कि डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल ठीक है इसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ऑक्सेलेटिंग चार्ज Which has no non-zero acceleration can produce electromagnetic. वेव ठीक है इसी से हमारे जो कंसेप्ट था जो बोर्स के मॉडल का जो कन्सेप्ट था जब आप सपोज कर सॉरी रदर के मॉडल का जो कन्सेप्ट था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूम रही है तो हम कह रहे हैं कि अगर उसकी नॉन ज़ीरो एसिलेशन है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेज प्रोड्यूस करेगी क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स पाथ में नहीं है ऐसा रदर ने कहा था कि कोई फिक्स पाथ नहीं है बट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रही है ठीक है तो यहीं से कांसेप्ट आया था देखो यहीं से कांसेप्ट आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रही है तो ऑब्वियसली उसकी नॉन जीरो एक्सीलरेशन है है ना नॉन जीरो एक्सीलरेशन है तो अगर नॉन जीरो एक्सीलरेशन से मूव करेगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगी राइट right? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हुए जाएगी तो फिर क्या होगा कि वो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगी तो इससे वजह से एटम्स जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा तो ये इस कंफ्यूजन को दूर किया था किसने इस कंफ्यूजन को दूर किया था बोर्स ने राइट right, उन्होंने कहा था कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होती है और तभी रेडिएशन एमिट करती है जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफर हो रही हो तो ये तो एटम्स है न्यूक्लियाई का टॉपिक हो गया जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है आपको फाइन तो इतना आप समझो कि वो जो टॉपिक है वो जो रदर का जो आ, क्या था लिमिटेशन था वो यहीं से आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी से आ रहा है ओके बात करते हैं एनर्जी की तो प्रॉपर्टीज में ही था कि जो टोटल एनर्जी होगी किसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दैट विल बी इक्वली पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स तो सपोज करते हैं कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम अगर देखना चाहें तो फॉर यू ई इसे हम कह रहे हैं कि एनर्जी डेंसिटी असोसिएटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू बी और M आप लिख लो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड टू मैग्नेटिक फील्ड ठीक है वेयर यू ई कैन बी रिटर्न एज यू हम क्या जानते हैं एनर्जी डेंसिटी पर या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज हाफ एफ साइल नॉट ई स्क्वायर ठीक है और यू एम को हम क्या लिखते हैं दैट इज बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट ओके तो टोटल एनर्जी डेंसिटी या फिर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसे अगर मैं कैपिटल यू लिखूं या फिर सिंपली यू लिखूं तो क्या होगी ये दिस इज यू ई प्लस यू एम ओके सो हाफ साइलन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट ठीक है ये दोनों कहाँ से आए तो ये जब हम मैग्नेटिक फील्ड का जो चैप्टर पढ़े थे मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म एंड जब इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तब मैंने ये सब समझा के रखा है आपको ठीक है तो अगर आपको फिर से वो चैप्टर रिवाइज करना है तो आप प्ले में जाके जो पहले दो, 12th के दो क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर है उसको आप देख सकते हो ठीक है अब देखो हम क्या जानते हैं हम क्या जानते हैं कि सिंस सी क्या है इक्वल्स टू वन बाई रूट अंडर म्यू नॉट एफ नॉट कोई दिक्कत नहीं है इसमें और ई बाई बी की रेशियो भी यही है वन बाई रूट अंडर म्यू नॉट एफ नॉट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ओके सो so ये रेशियो है अगर इसकी वैल्यूज को मैं यहां पे पुट करता हूं इसकी वैल्यूज को मैं अगर ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करूं ई स्क्वायर अपॉन वन बाई म्यू नॉट नॉट आएगा, है ना? Not, not आपकी वैल्यू आएगी अब देखो अब यहां से अगर पुट करूं मतलब कैसे कि वैल्यू e क्या हो जाएगी नॉट ई स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहां पे अगर पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा एफ साइलन की जगह पे बी स्क्वायर सॉरी ई स्क्वायर की जगह पे बी स्क्र बाई म्यू नॉट एफ सैलर नॉट वेयर एफ सैलर नॉट एफ सैलर नॉट विल कैंसिल आउट और यहाँ पे भी हमारे पास सेम वैल्यू दैट इज बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट ओके सो दिस बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट टू स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट ये क्या हो जाएगा मिल के हमारे पास जो वैल्यूज आएंगे दैट विल बी टू यानी कि बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट ये क्या आ रही है एनर्जी एनर्जी डेंसिटी टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम इसे कहेंगे ठीक है तो या तो हमारी एनर्जी ये आएगी एनर्जी डेंसिटी ओके बार बार मैं कह रहा हूँ एनर्जी डेंसिटी या तो हमारी एनर्जी ये आ रही है टोटल एनर्जी डेंसिटी या फिर अगर मैं बी के जगह पे अगर ई e स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की है तो ई e स्क्वायर के जगह पे बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ तो बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो क्या आ जाएगी बी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ नॉट म्यू नॉट इंटू स्क्वायर तो यहाँ पे अगर मैं not, not e की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा देखो बी स्क्वायर के जगह पे मैं क्या पुट करने वाला हूं एफ साइलन नॉट म्यू नॉट बाई एफ साइलन नॉट म्यू नॉट ई स्क्वायर तो म्यू नॉट म्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास हाफ एफ नॉट स्क्वायर e और एक इधर भी बचेगा हाफ एफ e स्क्वायर तो यानी कि e तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा स्क्वायर ओके e okay. या तो ये एनर्जी होगी या फिर ये एनर्जी होगी ठीक है और दोनों ही क्या है सेम है दोनों ही क्या है सेम है ओके सो इसीलिए कहता कहा जाता है कि इट इज़ इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो ये एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है ओके okay? तो अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम जो कि प्रॉपरली थ्योरिटिकल है और इसको बस आपके कुछ वेवलेंथ्स को या फिर कुछ फ्रीक्वेंसी को आप याद रखना ही पड़ेगा ओके okay? तो ये इस तरह से है तो पहले बात फर्स्ट ऑफ ऑल विजिबल रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट right? उसी तरह से इंफ्रा और अल्ट्रा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती क्या है तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव्स तो वेव्स की कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी कुछ तो वेवलेंथ होगा वेव ऐसे तो नहीं कहते हम कि फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ है ये सब मिला के तो हम इसे कहेंगे ना कि ये वेव है है ना तो ये फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ का एक रेंज है कि यहां से शुरू होके किसी मिनिमम अमाउंट से शुरू होकर मैक्सिमम इस रेंज के अंदर जो वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी को जो रेंज होगी इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे ठीक है और अच्छे से अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ स्पैन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच फर्दर कंटेंट्स मीनी सब रेंजेस विच आर कॉमनली रेफर्ड एज पोर्शन दिस कैन बी क्लासिफाइड एज इंफ्रा रेड रेंज यूवी रेंज दैट इज़ अल्ट्रावाट विजिबल रेंज माइक्रोवेव रेडियो रेडियोवेव एक्सरे रेज बहुत सारा तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ रेंज है राइट right? इस रेंज की इस रेंज के बीच में ही इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन्स रहती है अब उसमें भी कुछ सब रेंज है कि अगर इस रेंज में हुआ तो इसे हम अल्ट्रावायलेट करेंगे इन्फ्राडेट कहेंगे विजिबल रेंज कहेंगे तो ये सब को हम लाइक uh, like इसके एक स्टेबल फॉर्म में एक चार्ट फॉर्म में इसे समझेंगे तो पहले तो देखो कि पहले हम क्या इस तरह से रेंज होती है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है इंक्रीज़ होती जाती है देखो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है माइक्रोवेव की थोड़ी ज़्यादा इंफ्रारेड देन आती है विजिबल रेंज और विजिबल रेंज मतलब इतने सारे जो रेडिएशन्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इनमें से जो हमें विजिबल हो पाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वो सिर्फ इतने ही रेंज की विजिबल हमारे आंखों को हमारे आंखों के लिए इतने ही रेंज जो है वो विजिबल है राइट जिसे हम लाइट कहते हैं अब ये इसमें भी अब अलग कैटेगरीज आ गए कि अलग अलग वेवलेंथ में कलर जो है लाइट की चेंज होते जाती है और कलर ठीक है तो हर तरफ में एक छोटा छोटा ऐसे सेग्रीगेट कर दिया गया है उसके बाद जैसे विजिबल रेंज से हम आगे बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज होगी तो ये है अल्ट्रावायलेट रेंज जो कि हमें सनलाइट के थ्रू मिलती है राइट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एक्स रेज आपको पता है गामा रे जो कि न्यूक्लियर एटोमिक न्यूक्लियर रेडिएशन या फिर न्यूक्लियर फिशन में रिलीज होती है ओके okay, इसी तरह से इंफ्रा भी है और माइक्रोवेव एंड रेडियो इसकी बात तो हम कर ही चुके हैं ओके तो अब बस एक चार्ट से समझते हैं कि इन सब की रेंजेस क्या है चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो की हो चाहे वो वेवलेंथ की और सोर्स क्या हो सकती है तो पहले हमारे पास आती है रेडियो वेव तो रेडियो वेव में क्या कहा था मैंने कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है बट इसकी वेव ज्यादा है तो वेवलेंथ देखो ये फ्यू किलोमीटर टू जीरो तो मीटर तक हो सकती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक टेन टू दावर नाइन हर्ड्स तक हो सकती है टेन टू दी पावर नाइन हर्ड इसकी मैक्सिमम है इसके बाद ये रेडियो वेव से माइक्रोवेव में आ जाएगा ओके सो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज ये सब आपको याद रखना है इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टेन टू दी पावर नाइनटीन हर्ड्स की ये एक वेव है ये कौन सी वेव है रेडियो वेव है इंफ्रारेड है या फिर माइक्रोवेव है तब आप कंफ्यूज हो गे? है ना तो ये सवाल चाहे आप सी यू सी टी का एग्जाम दे रहे हो यानी कि सी यू टी का एग्जाम दे रहे हो या फिर नीट का एग्जाम इस तरह के एग्जामों में इस तरह के एग्जाम्स में ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्वियसली जेई में आपसे इतना आसान सवाल आपसे पूछेगा नहीं सॉरी ओके okay, तो इसकी रेंज क्या है फ्रीक्वेंसी की रेंज टेन टू दी पावर नाइन थर्ड तक हो सकती है ओके okay, सोर्स क्या हो सकती है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से हम रेडियो वेव को क्रिएट कर सकते हैं यूज कहाँ पे? टीवी एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड रेडियो ओके okay, नेक्स्ट आती है माइक्रोवेव माइक्रोवेव की जो रेंज है दैट इज जीरो पॉइंट थ्री मीटर टू टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर तक हो सकती है दैट इज वेवलेंथ रेंज ऑफ माइक्रोवेव वैसे ही अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो टेन टू पावर 19 टू थ्री इंटू टेन टू पावर 11 हर्ट्ज तक हो सकती है इसकी भी सेम सोर्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स माइक्रोवेव में आप देख सकते हो जो माइक्रोवेव वेव ओवन हमारे आती है वहां पे क्या होती है माइक्रोवेव रेडिएशन सी तो रहती है रडार एनालिसिस ऑफ ऑफ फाइन डिटेल्स एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर माइक्रोवेव ओवन ये सारे जगह पे इनकी यूज है उसी तरह से इंफ्रा रेड वेव इसकी वेव लेंथ टेन टू दावर माइनस थ्री से सेवन पॉइंट एट इन टू टेन टू दावर माइनस सेवन तक हो सकती है ये क्या है वेव लेंथ की रेंज है वेव लेंथ में लिख देता हूं कंफ्यूज मत होना है ना कन्फ्यूज वैसे होंगे भी नहीं थोड़ा सा स्मार्ट हो गए तो कंफ्यूज हो नहीं क्योंकि ये मीटर में है है ना और ये हर्ड में है तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मीटर है तो लेंथ है लेंथ लेंथ यानी कि वेव है ओके सो टू 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 द दैट इज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव सॉरी इंफ्रा रेड वेव ये इसकी सोर्स क्या हो सकती है मॉलिक्यूल एंड हॉट बॉडीज से इंफ्रा रेड वेव निकल सकती है हॉट बॉडीज सच एज क्या हो सकते हैं बहुत सारे हॉट बॉडीज आपके पास देख सकते हो जैसे कि इंडस्ट्री मेडिसिन एस्ट्रोनॉमी नाइट विजन डिवाइसेस ग्रीन हाउस रिवीलिंग सीक्रेट राइटिंग्स ऑन एंशियंट वॉल्स ये सब जगह पे इंफ्रा रेड का यूज किया जाता है फोरेंसिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंफ्रा रेड का या फिर यूवी रेज का भी यूज किया जाता है लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विजिबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूं इसका रेंज आपको याद रखना ही रखना है रेंज क्या है फ्रीक्वेंसी की रेंज की बात करें तो फोर इंटू टें हर्ट्स टू एट इंटू ट्वेंटू पावर हर्ट्स ये आपको याद रखनी है साथ ही साथ सेवन पॉइंट माइनस सेवन मीटर टू थ्री इंटू थ्री पॉइंट एट इंटू ट्वेंटू पावर माइनस सेवन मीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है देख रहे हो कैसे वेवलेंथ क्या है धीरे धीरे घटते जा रही है और फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है ओके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड इट क्रिएट्स और इट लाइक एमिट्स विजिबल लाइट राइट right? इसीलिए हमें जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल में सॉरी बोर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था कि कैसे जैसे एनर्जी लेवल को शिफ्ट कर रही है बामर सीरीज पासन सीरीज लेमन सीरीज ये सब जब हम पढ़ रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि जब थर्ड एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ रही है तो ये कलर का रेडिएशन निकल रहा है ये कलर का रेडिएशन निकल रहा है ये सब कहाँ से आ रही है सोर्स क्या है इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और एक्साइटेड जब हो रही है फाइन ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसकी यूज हो सकती है नेक्स्ट वायलेट रेज और यू वी रेज जो कि जिसकी रेंज होती है थ्री पॉइंट एट इंटू पा माइनस सेवन मीटर टू सिक्स इंटू 10 पा माइनस टेन मीटर तक फ्रीक्वेंसी रेंज एट इंटू ट्वेंटी फोर्टीन हर्ट टू थ्री इंटू ट्वेंटू पा सेवनटीन हर्ट्स तक इसकी सोर्स है एटम्स एंड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस एंड सन सन से इलेक्ट्रोमै सॉरी अल्ट्रा वायल्ट एमिट की जा सकती है करती है यानी कि कहाँ कहाँ यूज होता है स्टेरिलाइजेशन में यूज होता है किलिंग बैक्टीरिया जर्म्स फिंगरप्रिंट राइट जो कि अभी मैं बताया था फोरेंसिक साइंसेज में एक्सरेज का यूज तो आपको पता ही है कहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है स्किन ट्रीटमेंट में यूज होता है ट्यूमर डिटेक्ट करने में यूज़ होता है हर चीज क्रैक्स कहीं पे हड्डी टूटी है नहीं एक्सरे हम करके बताते हैं तो वहां पे भी यूज होता है तो इसकी रेंज क्या है टेन टू पावर माइनस नाइन मीटर टू सिक्स इंटू टेन टू पावर ट मीटर तक फ्रीक्वेंसी इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह भी आप याद रखना पड़ेगा थ्री इंटू ट्वेंटर हर्ट तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है इनर और मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स विल प्रोड्यूस एक्स रेज ओके गामा रेज इसकी रेडियो एक्टिव सस्पेंसें प्रोड्यूस करती है और इसका इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर कैसा एटोमिकल लाइक न्यूक्लियर रिसर्च में इसका यूज हम कर सकते हैं ठीक है फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी याद रखनी है थ्री इंटू टेन टू पावर एटीन हर्ट्स टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी टू हर्ट तक हो सकती है दे ओवरलैप विद अपर लिमिट ऑफ एक्सरे टेन टू द माइनस टेन मीटर टू टेन टू पावर माइनस फोर्टीन मीटर मतलब इसकी जो लिमिट है या फिर इसकी जो रेंज है वेव की और की जो रेंज है की ये दोनों आस पास है राइट right? मतलब सेम वेवलेंथ के के रेज और गामा रेज एग्जिस्ट कर सकते हैं आ गया समझ तो ये हमारे पास कुछ थी जैसे कि यहाँ पे चार है और ये आपके पास रेंज के आपको जो भी यहाँ पे कलर किस तरह से अलग अलग वेवलेंथ में कौन कौन से कलर आएंगे ये भी आपको पता चल जाएगा ठीक है तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके इसको इस तरह से याद कर सकते हैं तो ये है वेवलेंथ की रेंज और ये है फ्रीक्वेंसी की रेंज गामा रेज एक्सरेज अल्ट्रा वायलिबल विजिबल विजिबल को और तोड़ के लिखा गया है कि वायलट जो है वो कौन से वेवलेंथ पे एक्सिस्ट कर दी है तो 400 हंड्रेड टू फोर तक हमें वायलेट देखने को मिलेगा 450 से फाइव हंड्रेड तक हमें ब्लू 500 से 550 ग्रीन देन येलो ऑरेंज एंड रेड तो रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है ओके रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ओके okay, तो यही था हमारे टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के और इसी तरह से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक भी खत्म होता है बहुत ही छोटा सा टॉपिक था कुछ इंपॉर्टेंट से चीजें थे जैसे कि एनर्जी डेंसिटी हो गई और वेलोसिटी का रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है सो थैंक्स फॉर बींगर एंड हैव अ ग्रेट डे